शाम के 4 और गाइस अभी हम सबका प्लान बना है। बुआ, दीदी, मैं, मम्मी और दैविक हम सारे जा रहे हैं गाइस स्वामी सर्वानंद घाट पे स्नान करने के लिए गंगा में। पापा नहीं जा रहे क्योंकि पापा थक गए हैं, पापा बाइक चला के रहते ना, तो इसलिए हम सारे जा रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही थी, मन भी कर रहा था नहाने का, तो इसलिए अब जा रहे हैं हम। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है तो वॉक करके जाएंगे। तो आ गए हैं गाइस हम स्वामी सर्वानंद घाट पे, जल्दी से कपड़े उतारते हैं और चलते हैं। भाई गंगा में इतना अच्छा लग रहा है नहा के, बहुत मजा आ रहा है। हमें 1 घंटा हो गया नहाते नहाते, अभी मन नहीं कर रहा जाने का। तो और चली गई है, बैग भी कपड़े पहन रहे हैं और अब चलेंगे अपनी धर्मशाला में। और पानी ना गाइस ज्यादा गहरा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो बस घुटनों तक पानी है, बाकी बताओ नीचे क्या है, पूरी मिट्टी भर दी है भाई। तो गाइस अभी घाट से बाहर निकल के अभी हम जा रहे हैं हमारी धर्मशाला और टेम्पू में बैठ के जा रहे हैं। थक गए हैं बिल्कुल, पैरों में दर्द हो रहा है और हमारे यहाँ से धर्मशाला भी बहुत दूर है। हमें लग रहा था पास है पर बहुत ज्यादा दूर है भाई। A few moments later. गाइस अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8 और गाइस अभी हम सारे जा रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि बाहर पूरी रात हो गई है और अभी थोड़ा घूमने का मन कर रहा था, तो इसलिए हम सारे जा रहे हैं ऐसे घूम के आते थोड़ा बाहर तक। प्लान तो ये है कि हम हर की पौड़ी तक जाएंगे पैदल पैदल, तो अब देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक चलते हैं और थोड़ी हमें मार्केट से शॉपिंग भी करनी है। घर की बॉडी पे पहुंच गए और भीड़ देखो भाई साहब। वस्त्र बांधे छाल का मैं खड़ा हूं पांव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं जटाओं। घर की बॉडी से हम निकल गए हैं, हमने भीड़ देखी और भीड़ देखते ही निकल गए, बस मन कर गया भीड़ देख पड़ी। तो अभी गाइस यहां से हम ले रहे हैं रोल वाली आइसक्रीम, रोलर फ्रूट आइसक्रीम। ये देखो मंगा कुछ कभी नहीं सिर्फ है दिया आ गई है और अभी ट्राई करके देखते हैं कैसे। चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी और टेस्टी है। गाइस अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 10 और गाइस अभी हम फाइनली अपने धर्मशाला में पहुंच गए और हमें लग रहा था कि यहाँ से हर की पौड़ी पर पास है, तो भाई इतना दूर है, 5-6 किलोमीटर का एकदम पैरों का कुछ खोरी बन गया है चल चल के। 5-6 किलोमीटर जाना था, 5-6 किलोमीटर आना भी था, कम से कम 12-13 किलोमीटर चले हैं भाई। और भीड़ भाई, भीड़ इतनी अंत भीड़, मैंने आपको दिखाई भी थी हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ थी, रास्तों पे कीचड़ हो रखी है पूरी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बस वो टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह सुबह के 6। गाइस अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए हर की पौड़ी पे। आज के इस व्लॉग में गाइस हम जाने वाले हैं हर की पौड़ी, फिर हर की पौड़ी पे गंगा में स्नान करके फिर वहां से हम जल लेकर निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। आज डेट है 14th of July, कल है गाइस शिवरात्रि 15th of July को, तो आज रात तक हमें कैसे भी कैसे पहुंचना है, फिर सुबह जल चढ़ा के फिर निकलेंगे वापस हमारे घर। बोल शंकर भगवान की। तो गाइस अभी पहुंच गए हर की पौड़ी पे, स्कूटी बाइक वहाँ पे पार्क कर दिया हमने, अब यहाँ से बस 2 मिनट का वॉक का रास्ता है, फिर चलते हैं हर की पौड़ी पे। तो गाइस ये देखो, ये है कुछ दिन का हर की पौड़ी का व्यू। आपको ऊपर सारी वीडियो दिखेंगी, पापा दिखाएंगे।
किस तरह मेरे मन में शंकर बोल शंकर भगवान की जय गंगा घाट से हर की बॉडी से हम नहा के आ गए हैं हम और कपड़े सब पहन लिए सब रेडी हो रहे हैं दैविक ने पहन लिए अभी बताओ क्या हुआ मम्मी की चप्पल चोरी हो गई मम्मी ने ना वहाँ तो उतारी थी अपनी चप्पल मम्मी की चप्पल गायब प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं जल गाइस सब ले लिया है और हम निकल रहे हैं गाइस हर की बॉडी से तो गाइस अभी स्कूटी के पास आ गए हैं और सारा जल बाइक पे भी बांध लिया है आधा गले में भी टांग लिया है तो गाइस अभी निकल गए हैं हम स्कूटी पे बैठ के बोल शंकर भगवान की जय यहाँ पे गंदा वाला ट्रैफिक लग रहा है गंदा वाला आधा घंटा हो गया फसल फसल अभी गाइस हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड क्योंकि उस साइड बहुत अभी ट्रैफिक लग रहा था तो फुटपाथ पे चढ़ा के ही जा रहा है सारे इधर से जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन कोई हरिद्वार में आता तो है नहीं बस जाते ही जाते हैं पर आज के दिन डाक कावड़ भी बहुत दिखेंगे चले ये सांस किस तरह अभी भरवा रहे हैं गाइस पेट्रोल हाईवे से ज्यादा तो मजा गाइस इस वाली रोड पे आ रहा है क्योंकि डीजे चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बोले जा रहे हैं पैदल कावड़ लेके डाक कावड़ में भाई पूरा वाटरफॉल बना हुआ है तो ओ भाई कहाँ जा रहा है अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि अभी गाइस गली के रास्ते से होते होते हाईवे पे चढ़ गए हैं यहाँ गाइस भंडारा हो रहा था हलवा का बुआ से सबर नहीं हुआ तो ले आई हलवा रास्ते में जाते जाते गाइस लग गई थी भूख तो यहाँ ढाबे पे रुके थे यहाँ पे खाना भी आ गया हमारा राइस रोटी और शाही पनीर और यहाँ पे है दाल मखनी तो गाइस अभी रेस्टोरेंट से खाना पीने खा के निकल गए हैं और स्कूटी यहाँ पे आ गई है तो निकल रहे हैं अब यहाँ से यार मुझे तो लग रहा है कि जब हम आए थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी बारिश ही अच्छी है यार गर्मी हो रही है बहुत तेज धूप निकल रही है उस टाइम जब बारिश आ रही थी तो बहुत तेज आ रही थी तो उस टाइम लग रहा था कि बंद हो जाए और अब लग रहा है कि आ जाए तुझे गंगा है अभी गाइस सीट चेंज मैं और दीदी आ गए
गाइस यहाँ पे धूप और इतना बहुत, इसलिए पेड़ के नीचे बाइक ला के रुक गए थोड़ी छाया में। डैडी को वॉमिटिंग आ रही थी तो इसलिए रुके हैं, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो गाइस अभी टाइम हो गया, अभी बज गया शाम के 5 और गाइस अभी हम फाइनली एंटर कर गए हैं मीरठ में। इस वाली जो साइड है इस साइड सारे बाइक वाले जा रहे हैं और उस साइड डाक कावड़ वाले ट्रक है जितने भी वो और जो भी भोले पैदल जा रहे हैं वो सारे जा रहे हैं। अभी थोड़ी धूप कम हो गई है गाइस, छाया हो गई है, पर अभी हम दोबारा रुके हैं कोकोनट वाटर पीने के लिए। और अभी हम मेरठ एंटर कर गए हैं, यहाँ से अभी 60 किलोमीटर है दिल्ली। चलो भाई नारियल खत्म, हम मलाई निकाल के खाएंगे। ये तो सबसे पहले यही खाते दिखेंगे आपको, हलवा का भंडारा होता सबसे पहले खुद लेके आए जाके कितना खाते। और आपको अभी तक की सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि हर 10-15 मीटर के पे ना एक डीजे आ रहा है और डीजे में इतने अच्छे अच्छे गाने लग रहे हैं, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। गलती से गाइस गलत रास्ते पे आ गए, अब यू टर्न लेके जा रहे हैं, ऊपर हाईवे से जाना तक आ गया ना, कहाँ है। तो चलो गाइस आ गए हाईवे पे जहाँ पे हमें आना था। तेरे नाम की जो अभी रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि दोबारा फ्लैट हो गया है। और चलो मौसम अब ठीक हो गया, अब धूप चली गई है, अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा अब। और मम्मी की जैसा कि आपको बताया चप्पल चोरी होगी, पूरे रास्ते की दुकान ही नहीं मिली चप्पल की, मम्मी पापा हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं अपनी चप्पल। भाई कहते बहुत ही टांग दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस अभी हमारे सामने आ गया अक्षरधाम टेम्पल, ये जग रहे इसलिए लिया है क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली में कितना बुरा हाल हुआ था, बारिश का पूरा पानी भर रहा है रोडों पे, बिल्कुल छाती जाती तक पानी भर रहा है। तो ये जो रोड है ना इस पे ही पूरा पानी भर रहा है बहुत गहरा। तो अब अंकल ने बताया कोई पीछे जो रास्ता है वहाँ जाना पड़ेगा, तो पूरे दिल्ली में यही हाल हो रहा है, हर जगह पानी भर रहा है। मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। सो गाइस अभी हमारे सामने आ चुका है इंडिया गेट। दिल्ली में एंटर हुए और दिल्ली में एंटर होते ही यहाँ पे इतना ट्रैफिक दोबारा शुरू, दोबारा से ट्रैफिक मिल गया। पीछे तो इतना ट्रैफिक था भाई, कम से कम आधा घंटा खराब हो गया। सो गाइस अभी टाइम हो गया है, अभी बज गए हैं रात के 8 और गाइस अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गाइस हमारे घर के पास, बस 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में हमें यहाँ से। वैसे तो आज हम घर में नहीं जाएंगे, आज मंदिर में रुकेंगे ऑब्वियसली। वहाँ सामने फाटक लगा हुआ है और यहाँ पापा के यहाँ पे कुर्ता है, इस पे ध्यान गया जैसे पिछली बार कावड़ लेने गए थे तब भी पटा था ना, ऐसे इस बार भी पट गया। The next morning. So, hey guys, good morning. तो गाइस अभी फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस कल हम मंदिर में आके रुक गए थे और रात में इसलिए बहुत थक गए थे तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया और रात में आते ही हम सो गए थे। तो ये हमारा मंदिर था और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे सोए थे, वहाँ पे गाइस हम सोए थे वहाँ पे। और अभी गाइस टाइम हो रहा है, अभी बज रहे सुबह सुबह के 4:30 और हम इतनी जल्दी अभी इसलिए उठे हैं क्योंकि अभी हम पहले नहा के आएंगे, उसके बाद फिर शिवलिंग की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा करने के बाद हम जाएंगे अपने घर वापस। तो अब आपसे नहा के मिलते हैं, नहा दो पे रेडी गाइस एकदम, और यहाँ पे पूजा का सामान आ गया तो अब करते हैं पूजा। अरे मेरे पास की बैठी आके मुझे पहले डर लगता है। सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला। अभी गाइस फाइनली पूजा डन और ये वाली बोतल में तो जल था ये चढ़ा दिया है और ये वाली बोतल पूरी भरी हुई है गंगा जल से। और अब जा रहे हैं गाइस हम अपनी बाइक लेके अपने घर।